देवभूमि प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताजा समाचारों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हिमाचल में गौ सदनों के निर्माण के लिए 8,75,00,000 रुपए की राशि जारी। आरती कर रहे बागवानों को ठगने की कोशिश। सड़कों पर फिर दौड़ी HRTC की 50 नीली बसें। ऊना में 42 परिवार BPL सूची से बाहर। वनखंडी में नकाबपोशों ने ट्रक पर बरसाए पत्थर। पंजाब पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक। सिरमौर में वन महोत्सव का आगाज। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में गौ सदनों के निर्माण के लिए 8,75,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला में आयोजित गौ सेवा की प्रथम बैठक में ये जानकारी दी। आरती ठग रहे बागवानों को। प्रदेश के किसान व बागवानों को आरतियों द्वारा ठगा जा रहा है। वैसे तो किसानों को सेब की पेटियों के सही दाम दिए जाते रहे हैं, परंतु इस बार शिमला के छोटे आकार के सेब के दाम 30% कम कर दिए गए हैं, जबकि ये सेब 70% तैयार होता है। सड़कों पर फिर दौड़ी HRTC की 50 नीली बसें। प्रदेश में ओवरलोडिंग को कम करने के लिए HRTC ने डिपुओं में खड़ी 50 बसें सड़कों पर उतार दी हैं। इन बसों के लिए चालक व परिचालक की नियुक्तियाँ भी की गई हैं। प्रदेश में खड़ी 110 बसों में से सिर्फ 50 बसों को चलाया गया है। ऊना में 42 परिवार BPL सूची से बाहर। पिछले दिनों ग्राम पंचायतों में हुई ग्राम सभा के विकास खंड अंब के तहत ग्राम पंचायत लोहरा लोअर में 42 परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया है और 33 बचे BPL परिवारों को कहा है कि वो 3 महीने में सही जानकारी विभाग को दिखाएं। वनखंडी में नकाबपोशों ने ट्रक पर बरसाए पत्थर। सुबह पंडोगा से होशियारपुर की ओर ट्रक पर नकाबपोशों ने पत्थर बरसाए। ट्रक चालक को पहले रोका और फिर नीचे उतरने को कहा, लेकिन चालक नीचे नहीं उतरा और ट्रक को पीछे की ओर मोड़ने लगा। तभी अज्ञात लोगों ने ट्रक पर पत्थर बरसाए। चालक ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पंजाब पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक। डमताल थाना के गांव छन्नी बेली में किसी मामले में दबिश देने आई पुलिस टीम को गाँव वासियों ने बंधक बना लिया। पंजाब पुलिस के कर्मियों को हिमाचल पुलिस के सहयोग से छुड़ाया गया। सिरमौर में वन महोत्सव का आगाज। बिंदल ने लिया 2,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।